उत्तर प्रदेश सरकार के 4.5 साल पूरे होने पर प्रदेश भर की सभी विधानसभा सीटों पर सेवा और सुशासन के तहत प्रेस वार्ता कर सरकार की उपलब्धियां गिनाई जा रही हैं। इसी कड़ी में आज मुरादाबाद नगर विधायक सीट से विधायक रितेश गुप्ता के द्वारा पत्रकारों से वार्ता की गई और उत्तर प्रदेश सरकार के 4.5 साल की उपलब्धियां गिनाई गई, सेवा सुशासन के 4.5 साल की उपलब्धियां गिनाई। दरअसल आज मुरादाबाद नगर सीट से विधायक रितेश गुप्ता के द्वारा प्रेस वार्ता की गई और भाजपा सरकार की 4.5 साल की नीतियां गिनाई गई। इस दौरान उन्होंने मुरादाबाद में होने वाले विकास कार्यों को गिनाया, जिसमें विपक्ष के सवालों पर भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जिसने सिर्फ विकास के नाम पर जनता को धोखा दिया है, वो जनता को क्या लुभाएंगे। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा जो योजनाएं जनता के लिए चलाई गई, उनका सीधा जनता को फायदा पहुंचाया। साथ ही कहा कि जनता के लिए हमेशा पार्टी ने काम किया है और आगे भी जनता के लिए कार्य चलता रहेगा। आपके क्षेत्र में नहीं आता, मगर आप क्षेत्र के विधायक हैं, लोगों को आपसे उम्मीद है, तो क्या उम्मीद जताई जाएगी कि आने वाले समय में? बहुत जल्दी मुरादाबाद की सड़कें गड्ढा मुक्त होंगी। आप देख रहे होंगे कि मुरादाबाद में सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का काम शुरू भी हो गया है जगह जगह, तो बहुत जल्दी मुरादाबाद गड्ढा मुक्त हो जाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। अच्छा, लोकोशन पुल को लेकर अभी आपने कहा कि सरकार के द्वारा दिया गया, लेकिन विपक्ष पर सवाल करता है कि हमारी देन है, हमने दिया है। समाजवादी पार्टी के लोग कहते हैं, लगातार सवाल खड़े करते हैं। समाजवादी पार्टी की देन तो भ्रष्टाचार है, समाजवादी पार्टी की देन दंगा है, समाजवादी पार्टी की देन बिगड़ी कानून व्यवस्था है। इसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं दिया, जनता को ठगने का काम किया। 2012 में जनता ने उन पर विश्वास करके प्रचंड बहुमत से उनकी सरकार बनाई, लेकिन उन्होंने जनता को ठगने का काम किया। उनके समय में जनता को कोई भी लाभ नहीं मिला, जनता ने 2017 में इसका जवाब दिया। जो भी काम रुके हुए थे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, वो काम पूरे हुए। लोकोशेड पुल कई साल से प्रस्तावित था, उसके बाद बनने का काम शुरू हुआ लेकिन रोक दिया गया। 2019 में रुके हुए काम को दिल्ली जाके पीयूष गोयल जी, उस समय रेल मंत्री थे, उन समय मिला दिल्ली में सारे अधिकारी, उन्होंने तलब किए, उसके बाद एक टाइम लिमिट देके उस काम को शुरू कराया गया और शीघ्र वो जनता को फिर समर्पित किया गया। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ये संभव हो सका। 2022 का इलेक्शन है, कितनी बड़ी चुनौती बात है जी? 2022 के इलेक्शन को कितनी बड़ी चुनौती बात? 2022 के चुनाव में कोई चुनौती नहीं है, जनता का मन बन चुका है। बहुत अच्छे काम योगी जी और मोदी जी की सरकार द्वारा किए गए हैं और काम नीचे तक पहुँचे हैं, उसका लाभ सीधा जनता को मिल रहा है। 2022 में कोई चुनौती नहीं है, प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी और 350 के पार हम लोग जाएंगे। मुरादाबाद मंडल में भाजपा के गिने-चुने विधायक, इसके अलावा सपा के अधिक विधायक होने के बावजूद लगातार ओबीसी जैसे दल जो है वो यहाँ पर बहुत गतिशील हो रहे हैं, कैसे देखते हैं आप अपने लिए कितनी बड़ी चुनौती बन करके क्या निकल रही है? कोई चुनौती जैसे मैंने कहा है कि जो गिने चुने विधायक है वो भी सीखा होगा, अब विरोधी ये सपना इनका है, ये सपना पूरा नहीं होगा। जो सीटें हम लोग हार रहे हैं वो भी जीतेंगे, और जो जीते हैं वो तो जीते हुए हैं ही, लेकिन जो सीटें हम लोग 2017 में नहीं जीत पाए थे वो भी सीट हम लोग जीतेंगे। कल माननीय मुख्यमंत्री जी ठाकुर विधानसभा में आ रहे हैं, आप कल देखिएगा क्या जन सैलाब वहाँ पर उमड़ेगा और सारी सीटें हम लोग अपनी जिले की जीतेंगे। सघन जनसंपर्क अभियान चलाएंगे और उनको हम पूरी तरह से ये अवगत कराएंगे कि किस प्रकार हम लोग अपनी नीतियों को लागू करने जा रहे हैं और किस प्रकार विकास की योजनाओं को हम लोग मुरादाबाद देहात में लागू करेंगे, किस किस क्षेत्र में अभी जो काम नहीं हो पाया है उसको और तेज़ी से काम करेंगे। जो कार्य नहीं हुए हैं उसमें आप किसकी लापरवाही मानते हैं? नहीं, देखिए क्या होता है, आप जानते हैं कि कार्य सरकार में काम करने का एक तरीका है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे प्लान बनता है, फिर प्रदेश लेवल पे प्लान बनता है। अगर जन प्रतिनिधि जागरूक नहीं होगा और वो चीज़ें अपने क्षेत्र की नहीं रखेगा तो फिर कैसे पता लगेगा? डिस्ट्रिक्ट प्लान की जो बैठक होती है उसमें सभी विधायक, उसके माननीय विधायक सदस्य होते हैं और वो अपने बात उसमें रखें तो उस बातों का, और वो बाकायदा उसकी मिनट्स बनते हैं, तो उसमें ये भी नहीं आप कह सकते कि साहब मैंने रखा या नहीं रखा, हर चीज़ पूरी जनता के सामने हम तो रख देंगे अगर इस प्रकार की बात आए। मतलब माना जाए जो सड़क की समस्या है देहात विधानसभा में, अनेक समस्याएं जो उसका कारण जो है कि विधायक नहीं जागरूक जी, तो अब ऐसे में आप आने वाले विधानसभा में जो कि
क्या जनता के बीच आप संदेश लेके जाएंगे? नहीं, हम लोग जनता के बीच यही संदेश लेके जाएंगे कि आप हमारा विधायक चुनिए, जागरूक विधायक चुनिए, जो आपकी समस्याओं के लिए जिले स्तर पर, प्रदेश स्तर पर मजबूती से मांग रखें और आपके यहाँ जो छुटे हुए विकास कार्य हैं वो पूर्ण हों। बिहार विधानसभा में सांसद भी वहीं रहते हैं, समाजवादी जी, उनके बारे में आप कुछ? नहीं, ये उनका पार्टी का आपसी मामला, बट मैं इस बारे में बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन अगर सांसद जी और विधायक जी दोनों मिलके काम करते तो निश्चित रूप से विकास कार्य ज़्यादा होते। दोनों का मिला के 7 करोड़ रुपए हो जाती है निधि, 5 और 2, तो अगर वो अपनी जिस विधानसभा में वो रहते हैं तो वहाँ अगर काम करा लेते तो शायद इतनी स्थिति ख़राब ना होती।